महेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। महेंद्रगढ़ से जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से आ रही है, जहां राम विलास शर्मा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे राम विलास शर्मा लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। राम विलास ने कल नामांकन किया था, बीजेपी की लिस्ट आने से पहले ही नामांकन किया था उन्होंने, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी है वो इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महेंद्रगढ़ से ये बड़ी जानकारी, देखिए तस्वीरें भी उस वक्त की दिखा रहे हैं जब रामविलास शर्मा नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे। तो बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे रामविलास शर्मा, हालांकि चुनाव नहीं लड़ेंगे वो, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से, ये बड़ी जानकारी, रामविलास शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रामविलास शर्मा समर्थन करेंगे बीजेपी प्रत्याशी का लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भाजपा बीजेपी यानी कि उसका समर्थन, बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे रामविलास शर्मा लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी चुनावी ब्रेकिंग सूत्रों के हवाले से, बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे रामविलास शर्मा लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बीते दिन उन्होंने नामांकन जरूर किया था लेकिन क्या वजह अब सामने है जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही हमें, रामविलास शर्मा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और इस वक्त महेंद्रगढ़ से संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, रामविलास शर्मा जो कि बीते दिन नामांकन दाखिल करते हैं, आज अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वजह क्या बताई जा रही है? हालांकि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई थी तो उसमें रामविलास शर्मा जी का नाम नहीं आया था, तो लोगों में थोड़ा सा रोष देखने को मिला था। उसके बाद लोगों को जब समझाया गया, रामविलास शर्मा ने जब मीटिंग ली तो उसमें कहा गया कि अपना टिकट जो है दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, और उस जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें भी रामविलास शर्मा जी का नाम नहीं आया, तो लोगों में रोष देखने को मिला था। उसके बाद कल जो लिस्ट आउट हुई है उसमें भी रामविलास शर्मा जी का नाम नहीं है। उससे पहले उन्होंने अपने निवास स्थान जयराम सदन पर 10 सितंबर को जो है कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, और बैठक लेने के बाद उन्होंने अपना नामांकन भी बीजेपी की टिकट पर दाखिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इनके जो कल लिस्ट आई है उसमें इनका नाम नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इनसे नाराजगी कार्यकर्ताओं ने अपनी जताई। और अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि ये भाजपा प्रत्याशी जो भी है कंवर सिंह यादव जी, उनके अपना समर्थन देंगे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है कि वो अपना समर्थन इनको देंगे और आज अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए ऐसे में हालांकि उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जो है उम्मीद जताई थी चुनाव लड़ने की, और जिसकी वजह से उन्होंने बीते दिन नामांकन भी किया, हालांकि अब कंवर सिंह यादव जो है वो इस वक्त चुनावी मैदान में है महेंद्रगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। तो क्या सौरभ पार्टी में रामविलास शर्मा की जो उपलब्धता है वो लगातार बरकरार रहेगी, चूंकि उन्होंने बीजेपी के समर्थन, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन की भी बात कही है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा है वो भाजपा से पहले बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। सन 1982 से महेंद्रगढ़ की सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो दो बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और 5 बार के विधायक भी रहे हैं, तो इनका बहुत भारतीय जनता पार्टी से इनका काफी पुराना लगाव रहा है। और अभी जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर निकल के आई है वो यही है कि ये अपने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। आप देखने वाली बात होगी कि आज कार्यकर्ता जो इनकी बैठक है, मीटिंग है, उसमें क्या फैसला लिया जाता है, और जो भी स्थिति स्पष्ट होगी वो आपको बता दी जाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका।
और इसी बीच कालका से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे आपको।